अरे किस टाइम प्रभु जी ये गेट नहीं खुलेगा क्या गुरुदेव? ये गेट नहीं खुलेगा, नेटवर्क कम आ रही। नहीं आ रहे हैं, अच्छा आते हैं। आधी लाइट बंद हो तो आधी लाइट पीछे लाइट बंद हो Thank you.
अरे माइक ले आओ,
हरे कृष्णा, किसी लेडीज ने मंडी पत्थर वाली मंडी में 5 किलो केक का ऑर्डर दे रखा, उनका फोन आ रहा, वो लेडीज फोन नहीं उठा रही। किसी ने 5 किलो केक का जो ऑर्डर दे रखा, केक बनवाया किसी ने, उस लेडीज के यहाँ कुंग्राम मिशन वालों के यहाँ वो लेडीज है, कोई केक बनाती है, उसका फोन आ रही कहीं बार, कहना तुम्हारे मठनों कोई प्रोग्राम है, आज केक बनावा है, और वो लेडीज जिसने बनवाया वो फोन नहीं उठा रही। और जिसने भी बनवाया हो कृपया वो जाके केक हरे कृष्णा नवीन प्रभु आज अंदर आए। हरे कृष्णा मैंगो प्रभु, हरे कृष्णा और एक माइक दे दो, और एक माइक दे दो। हरे कृष्णा, हरे हरी बोल प्रभु जी, उधर कोई बच्चे हैं उसको बंद करो, एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम नारायण गोस्वामी के नाम है सर्वतम मैं अपने गुरु श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण स्वरूप में कोटि कोटि अनुज्ञापन करता हूँ। भक्ति वेदांत सिद्धर गोस्वामी महाराज जी के चरण कुंडलों में मेरा कोटि कोटि अनुज्ञापन हो बेटा। उसके उपरांत समस्त ब्रह्मचारी का एवं समस्त वैष्णव वैष्णव के चरणों में मेरा कोटि कोटि। बढ़िया गाता है। आज बहुत ही अच्छी तिथि है, बड़ा ही सुंदर उत्सव भी है। पंच तत्व जो है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादी गौर भक्त, इनमें आपने कई बार श्रवण किया होगा। श्री कृष्ण चैतन्य कौन है? स्वयं श्री कृष्ण है जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में यहाँ समस्त जीवों का उद्धार करने यहाँ पर अवतीर्ण हुए, और जिन्होंने ये महामंत्र प्रदान किया हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ये श्री कृष्ण जो है स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, इनको बोलते हैं भक्त रूप। इसके बाद इसी मंत्र के अंतर्गत श्री प्रभु नित्यानंद आया शब्द, उनको कहते हैं भक्त स्वरूप। इसके बाद श्री अद्वैताचार्य जी का नाम भी आया इसमें, उनको कहते हैं भक्त अवतार। और श्री गदाधर पंडित जी का नाम आया, उनको बोलते हैं भक्त शक्ति। भगवान की शक्ति हैं श्रीमती राधा रानी, तो वो यहाँ पर शक्ति के प्रतीक हैं। राधा रानी स्वयं जो है एक ब्रह्मचारी के रूप में वैष्णव के रूप में यहाँ प्रकट हैं, जिनका नाम है गदाधर पंडित। और फिर हैं श्री वास जी, जिनकी आज तिथि है, वो और कोई नहीं स्वयं जगतगुरु श्री नारद देव हैं। नारद जी जिन्होंने बड़े से बड़े बिगड़े हुए लोगों को सुधार दिया, और छोटे से छोटे बालक के हृदय में भगवान का प्रेम प्रकट कर दिया,
वो श्री नारद जी आज श्री वासुदेव जी के रूप में की तिथि है। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज और रत्नाकर डाकू जो वाल्मीकि और स्वयं वेद व्यास जिन्होंने समस्त पुराण वेद महाभारत इत्यादि लिखी, उन सब के गुरुदेव हैं ये नारद देव। और नारद जी अब चैतन्य महाप्रभु की लीला जो आज से 530 वर्ष पूर्व हुई उसमें श्री वासुदेव के रूप में प्रकट हुए। और ये श्री वासुदेव इतना सुंदर तरीके से, महाप्रभु जब छोटे थे तब से ही वैष्णव रीति से भजन किया करते थे। चैतन्य महाप्रभु जितने भी पाठशाला में जाने वाले वैष्णव लोग थे उनको घेर लिया करते थे, कभी श्रीवास जी को, कभी किसी अन्य वैष्णव को, और कहते वेदों के सूत्र बतलाओ। वो सूत्र बतलाते तो वो सही विधि से जो वैष्णव उसका अर्थ बताते उस अर्थ को खंडन कर देते महाप्रभु, क्योंकि स्वयं भगवान हैं। भगवान कितने ही एक श्लोक के अनेक अर्थ बतला सकते हैं, तो भगवान उनको एक श्लोक का ही दूसरा अर्थ बतला कर बताते थे कि देखो जो तुमने अर्थ बतलाया वो ठीक नहीं, ये जो मैं अर्थ बता रहा हूँ देखो ये युक्ति संगत है, इसको ग्रहण करो। तो वो उनको सुन करके हतप्रभ रह जाते थे और कहते हाँ निमाई तुम ठीक बोलते हो, और फिर उसके बाद कहते नहीं जो तुमने बोला वो भी ठीक है, उसको भी सही कर देते। ये है निमाई पंडित। निमाई पंडित कौन है? ये चैतन्य महाप्रभु। आवाज नहीं आ रही? हरे कृष्ण। तो निमाई पंडित कौन है? ये चैतन्य महाप्रभु हैं, जो नीम के वृक्ष, जो जिनके आंगन में नीम का वृक्ष था और वहीं इनका प्राकट्य हुआ। और इनसे पूर्व कई पुत्र पुत्री शची माता की चले गए थे, तो इसलिए इनका नाम कड़वा रखा, निमाई रखा, नीम से संबंधित रखा, इसलिए निमाई, जिससे कि ये यहाँ पर रहें, बने रहें। और आगे चल करके जब बड़े हुए, थोड़े से बाल्यकाल अवस्था में लीलाएं कर रहे थे, तो उनका नाम प्रचलित हुआ निमाई पंडित। पंडित इसलिए क्योंकि बड़े बड़े जो वैष्णव ही नहीं, जो वेदों के सार को जानने वाले वेदांत, या फिर जो मायावादी जो वेदांत सूत्र को जानने वाले, वो भी इनसे घबराते थे। क्यों? क्योंकि ये स्वयं भगवान है और समस्त सूत्रों को अच्छे से अच्छे तरीके से वर्णन कर सकते हैं। तो ऐसे ही जब गया, ये गए, अभी तक तो बहुत इस तरीके से चंचल लीला करते थे नवद्वीप के अंदर, लेकिन जब समय बीता तो ये गया गए। गया में अपने पिताजी का पिंडदान किया जगन्नाथ मिश्र जी का, और वहाँ पर इनके गुरुदेव मिले जिनका नाम हम सब जानते हैं, श्री ईश्वर परिपाद। और उनको देखते ही, ईश्वर परिपाद को देख करके इनके भक्ति के अष्टविकार प्रकट हो गए। और ईश्वर परिपाद को भी महाप्रभु कौन है? स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं, स्वयं श्री कृष्ण हैं। उनको देख करके ईश्वर परिपाद को भी आनंद इतना हुआ कि उनको भी अष्टविकार होने लगे, अश्रुपात होने लगा, कंप होने लगा, रोमांच होने लगा। तो इस तरीके से एक दूसरे को देख करके बड़े ही आनंद में हो गए। और महाप्रभु ने उनसे दीक्षा ली और कहा आप तो स्वयं जो है सूर्य हैं, हम दीपक आपको क्या रोशनी देंगे, आप तो लीला कर रहे हैं, आप महाप्रभु हैं, आप जो हैं इस प्रकार की लीला ना करें। लेकिन कहा नहीं, आप मेरे गुरुदेव हैं। तब महाप्रभु के निवेदन पर श्री ईश्वर परिपाद ने उनको उनके आदेशानुसार दीक्षा प्रदान की है, इसलिए ईश्वर परिपाद उनके गुरुदेव हुए। यहाँ से जो निमाई पंडित अभी तक नटखट बालक थे, चंचलता से भरे हुए थे, अब वो गंभीर हो चले हैं। वापस आने का मन करता है लेकिन बीच में वृंदावन जाने का मन कर जाता है। वहीं से भगवान श्री कृष्ण के विरह में वो अपने हृदय को रोक नहीं पा रहे हैं और वृंदावन को भागते हैं। पीछे पीछे जो उनके साथ भक्त गए थे उनको पकड़ते हैं, लपकते हैं, किसी प्रकार से येन केन प्रकारेण नवद्वीप लेकर आए हैं। और वहाँ पर इनकी हालत ऐसी हो चली है जैसे किसी व्यक्ति को भूत लग जाए। महाप्रभु अब चंचल नहीं हैं, हा कृष्ण कह के मूर्छित हो जाते हैं। थोड़ा सा चलते हैं तो सहारे की आवश्यकता पड़ जाती है और मन ही मन कुछ बुदबुदाते रहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे इनके हृदय में, जैसे इनके मस्तिष्क में कोई हावी हो गया है, वायु रोग लग गया है। मैया शची माता घबराई हुई है कि मेरे निमाई को क्या हो गया। तो श्री वास जी को बुलाया, श्री वास जी को बुलाया
तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु की दशा को देख करके बड़े हतप्रप हो गए हैं, खटिया पे लेटे हुए हैं और हा कृष्ण करके उनके आंखों से अश्रु धारा बह रही है। श्री व्यास जी देखकर बड़े प्रसन्नचित हुए, क्योंकि वो सोचते थे कि निमाई पंडित इतना विद्वान है, ये अच्छे अच्छे मायावादी साधुओं का भी खंडन कर देता है, वेदांत सूत्रों का ज्ञाता है, भगवान कृपा करके इसको कभी वैष्णव बना दे तो हम लोग जो कम लोग हैं इधर वैष्णव, उनके अंदर एक बहुत बड़ा बल मिलेगा, शक्ति बल मिलेगा और सुंदर तरीके से हम भक्ति कर पाएंगे। यहाँ महाप्रभु की दशा देख करके श्रीवास जी जान गए ये अब शचिनंदन निमाई पंडित नहीं है, जो कि इनके गुरुदेव ने नाम दिया श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, इनका नाम विख्यात हुआ। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रीवास पंडित जी की जय। क्योंकि श्रीवास जी ने पहली बार जब देखा गया से आने के बाद कि अब ये पूर्ण तरीके से वैष्णव हो गए हैं, दीक्षित हो चले हैं और इनके रोम रोम से कृष्ण निकल रहा है, तो बड़े आनंदित हुए। उसके बाद मैया को कहा, मैया तुम्हारे लाला को कोई भूत भूत नहीं लगा, इसको तो नंद का भूत लगा है और आप चिंता ना करो, ये बिल्कुल सुरक्षित हैं। अब हम इनके साथ पूरे नवद्वीप मंडल में सुंदर हरिनाम संकीर्तन करेंगे, यही महाप्रभु की अभिलाषा थी। तो श्रीवास जो हैं ये नारद जी हैं और श्री महाप्रभु की सुंदर लीलाओं में इनका बहुत बड़ा अवदान है। देखो चैतन्य महाप्रभु आज भी जो है चार जगह पर प्रकट रहते हैं। एक तो श्रीवास आंगन, नवदीप में जो लोग गए होंगे श्रीवास आंगन का दर्शन किया होगा, वहाँ पर निरंतर आज भी रास चलता है, संकीर्तन होता है, भक्त मंडली वहाँ पर नृत्य करती है रात रात भर और वहाँ हमेशा चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं। ये श्रीवास आंगन उनमें से प्रथम। दूसरा शची माता का आंगन, शची मैया को छोड़कर चैतन्य महाप्रभु कभी नहीं जाते, वो आज भी वहाँ पर विराजमान है। तीसरा नित्यानंद प्रभु जहाँ पर सुंदर नृत्य और कीर्तन करते हैं, चाहे महाप्रभु पुरी में क्यों नहीं विद्यमान हो, लेकिन वहाँ से नित्यानंद प्रभु यदि नवदीप में कीर्तन कर रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु उस कीर्तन के अंदर विद्यमान हो जाते हैं। ये और एक है राघव पंडित, राघव पंडित के घर पर भी हमेशा चैतन्य महाप्रभु अवश्य रहते हैं। ये स्वयं ये जो है चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने मुखारविंद से कहा, मैं ये चार स्थानों पर हमेशा विद्यमान हूँ। तो श्रीवास जी जब देख रहे हैं कि अब महाप्रभु चारों दिशाओं में अपना हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करना चाहते हैं, तो अपने आंगन में महाप्रभु को आह्वान किया और रात रात भर पूरा एक वर्ष तक ये हरिनाम संकीर्तन चलता था। रास मंडली वहाँ पर सुंदर हरिनाम संकीर्तन किया करती थी। एक बार श्रीवास जी का पुत्र बहुत ज़्यादा बीमार था, एकमात्र पुत्र था और उसको बुखार उसका उतर नहीं रहा था। अर्धरात्रि हो चली थी, वहाँ पर महाप्रभु के अनुगत्य में सब कर रहे थे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। तभी जो श्रीवास जी का पुत्र था उसकी मृत्यु हो गई और अंदर जो है अंदर की औरतें रोने लगी, बिलखने लगी। श्रीवास जी को जैसे ही पता चला कि उनका पुत्र चला गया, अंदर जाकर के अपनी पत्नी और अन्य समस्त परिवार वासियों को वालों को कहा कि कोई भी रोएगा नहीं, महाप्रभु का कीर्तन चल रहा है, यदि उनके कीर्तन में जरा भी कुछ भी खेद हुआ या कुछ भी विघ्न हुआ तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, अगर उनको कष्ट पहुंचा तो मैं गंगा जी में जाकर डुबकी लगा के मर जाऊंगा, इसीलिए कोई रोएगा नहीं। सबको उन्होंने डांट लगा दी और कीर्तन चलता रहा। आधी रात से ज़्यादा बीत गई, महाप्रभु एकदम रुके। महाप्रभु ने कहा आज वो आनंद नहीं आ रहा है, इस घर में हो ना हो कुछ ना कुछ दुख प्रकट हो चुका है, क्या बात है। तभी एक भक्त ने बताया श्रीवास जी का प्रिय पुत्र चला गया। अरे तुम लोगों ने मुझे बतलाया क्यों नहीं, श्रीवास जी की आज्ञा थी ना बतलाने की। उन्होंने कहा कि आप कीर्तन में निमग्न हैं, आपका कीर्तन में कोई विघ्न ना हो इसलिए आदेश दिया था। श्रीवास जी की ये बात सुन करके महाप्रभु रोने लगे, अरे श्रीवास इतना प्रेम करते हो तुम उससे, मैं संन्यास लूँगा तुम लोगों को छोड़ के कैसे जाऊँगा, तुम इतना ज़्यादा अगर प्रेम करोगे, अभी तुम्हारा पुत्र कहाँ है। महाप्रभु अंदर गए, पुत्र लेटा हुआ था, हे पुत्र तुम पुनः आओ,
तुरंत आओ। ये सुनते ही वो जीवात्मा उस शरीर के अंदर पुनः प्रकट हुई। उसने कहा, महाप्रभु को प्रणाम है, तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ चले गए? उसने जीवात्मा ने कहा, महाप्रभु मेरा इनके यहाँ पर इतना ही समय था और मेरा जीवन धन्य है, आपके साक्षात दर्शन हुए, आपके साक्षात संकीर्तन हमारे यहाँ आंगन में हुआ, आपका सुंदर जो है नाम संकीर्तन मेरे कानों में प्रवेश हुआ, तब मैंने शरीर को त्यागा है। मेरी यही प्रार्थना है, हे महाप्रभु कहीं पर भी मेरा जन्म हो वहाँ भक्तों का संग मिले, आपका हमेशा अनुगत्य में मैं भजन कर सकूं, और मेरी बस यही अभिलाषा है। ये सुन करके समस्त परिवार का शोक दूर हुआ कि ये साधारण जीव नहीं था, ये तो महाप्रभु का दर्शन करते हुए, कीर्तन और नृत्य का दर्शन करते हुए इसने शरीर को त्यागा है, निश्चित तौर से भगवान के धाम गया। तो श्री वास देव इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को संपादन करते हुए, उनका संग करते हुए, और हर प्रकार से आगे लीला को किस प्रकार से करना है वो जानते थे। तो अभी और भी महाराज जी से हम सुंदर सुंदर शिवाज जी की कथा श्रवण करेंगे, महाप्रभु की कथा श्रवण करेंगे। धन्यवाद। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। संचिन्तयत् भगवश्चरणारविन्दं वज्रांकुशध्वजसरोरुहलाञ्छनाड्यं उत्तुंगरक्तबिलसन्नखचक्रवालः ज्योत्स्नाभिरामहदभिर्हृदयान्धकारः वरहापीडं नटवरवपुः करणयो करणिकारं विभ्रदवासः कनककपिशयं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणुरदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं अपने गुरु पाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत भक्ति वेदांत श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नितलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तरशत भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु सहित समस्त गौर परिकर एवं मेरी समस्त गुरु परंपरा जययुक्त हूँ एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णविया आप सभी को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। भक्तवांछा कल्पतरु कृपा सिंधु दीन बंधु पतित पावन प्रियतम परमेश्वर अकारण करुणा वरुणालय निखिल हेय प्रत्यनीक अखिल गुणगणनलय भगवान श्री राधा माधव की महति कृपा से मानव जीवन का उत्कृष्ट उत्कृष्ट फल सत्संग आज हम लोगों को यहाँ पर बैठ करके श्री महाराज जी के मुखारविंद से श्रवण करने का सत्सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज कोई मैं किसी भी टॉपिक पे कोई प्रिपरेशन नहीं करके आया पहले, पर आज जो वक्तव्य निकलेंगे जो वक्तव्य होगा वो श्री भगवान और श्री गुरुदेव की इच्छा। भगवान की अतिशय कृपा से जब से भक्ति में वैसे तो प्रवेश नहीं न प्रवेशंतु वाह वैसे तो कोई प्रवेश नहीं है, लेकिन अधम जीव और योग जैसे श्री राधा रानी का गुण क्या है, वे जैसे पात्र और पात्र का विचार नहीं करती हैं, पात्रम पात्र विचारणम न कुरुते, जैसे वे पात्र और पात्र का विचार नहीं करती वैसे हमारे श्री सद्गुरुदेव अधम से अधम व्यक्ति इनकी शरणापन्न होता है, इनकी शरण में आता है तो ये कभी तिरस्कृत नहीं करते और सहज अंगीकार करके उस व्यक्ति को धन्यात धन्य कर देते। इसलिए क्यों? क्योंकि हमारे शिव चैतन्य महाप्रभु की पवित्र धारा में प्रेम संपुट की विशेष संहिता जो है, प्रेम संपुट है, उसकी अगाध प्रवाह उसकी दिव्य मंदाकिनी प्रवाहित होती है।
श्री रूप गोस्वामी पाद ने श्री पद्यावली में लिखा है, वैसे तो बंधन अलग अलग प्रकार के होते हैं, बंधन आने खलु संति बहुनी, पर प्रेम रज्जुकृत बंधन मन्यत, दारु भेद निपुणो भिषणंग्री, निष्क्रिय भवती पंकज कोश। भगवान की अतिशय कृपा से बहुत प्रकार के बंधन हैं, परंतु प्रेम रज्जुकृत बंधन मन्यत। श्री भगवान प्रेम की रस्सी में बंधते हैं, प्रेम की रज्जू में बंधते हैं। जब श्री भगवान बंध रहे थे उखल लीला में, तो उसके बाद वल्लभाचार्य जी ने लिखा, भगवान जब बंध रहे थे तो दो अंगुल कम पड़ गया रस्सी, आप सभी को विदित है। तो वल्लभाचार्य जी ने लिखा है कि क्यों पड़ गया कम दो अंगुल, तदपि दो अंगुल इन मुनम, इसका अर्थ क्या है, क्यों? क्योंकि जो रस्सी है वो साक्षात माता अदिति है, और जो उखल है वो साक्षात कश्यप ऋषि है। कश्यपो उखलो साक्षात रज्जु माता दितिस्तथा। इस कारण से वे बार बार रस्सी छोटी पड़ रही है, वो कह रही है कि मेरे बालक को बांध रही है, कैसे बंध जाएंगे। ये बात श्री वल्लभाचार्य जी ने कही है। ऐसे ही हमारे सद्गुरुदेव हैं, भैया इस दास से तो अनंत अनंत पाप अनंत अनंत अपराध बनते आ रहे हैं, परंतु श्री गुरुदेव की अतिशय कृपा बार बार क्षमा कर देते हैं, बार बार क्षमा करके आगे पथ प्रशस्त कर देते हैं। और आज तो कोई जन्मदिन वनमदिन तो नहीं, लेकिन एक साल कम हो गया, तो इस कारण से, लेकिन गुरुदेव की इच्छा थी कि ये उत्सव हो, तो केवल और केवल गुरुदेव की इच्छा से ही ये उत्सव संपादित होगा। अगर हम लोग इच्छा करने लग जाएंगे केवल स्वतंत्र, तो भगवान पूरे नहीं कर सकता, भगवान पूरा कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अपराधी हैं भैया, दोषी हैं। बार बार गुरुदेव आज्ञा करते हैं, बार बार समझाते हैं, परंतु दोष के कारण ये बुद्धि जीव दोष के कोष है ना, तो इस कारण से दोष के कोष जीव बार बार वो गलती कर देता है। फिर सोचीला, बक्सर वाले मामा जी का लिखा है, फिर सोचीला कि अब ना करत ऐसन, पर फिर करी ले हम ओइसन गलतिया, ना जाने राम अरे कबन हुई है गतिया, ना जाने राम। बार बार सोचते हैं गुरुदेव, बार बार बोलते हैं अपराध नहीं करना, ये नहीं करना, पर फिर भी बार बार अपराध किए जाते हैं। इसीलिए भगवान ही जानते हैं कब गति होगी। ज़्यादा समय भी नहीं है, तो थोड़ा सा विषयांतर से इतरत होकर के बोलूं। सबसे पहले तो बार बार धन्यवाद है पूज्य श्री गुरुदेव का, श्री नवीन प्रभु जी का, जिन्होंने 3 महीने जगन्नाथ जी के प्रसाद सेवा करने का सत्सौभाग्य इस दास को प्रदान किया, और 3 महीने तक भगवान के दिव्य आधारामृत को जैसे तैसे श्री गुरुदेव की कृपा से, राधा रानी की कृपा से दास ने बनाया। उसके बाद श्री भगवान ने आरोगा, मतलब दास, मैं तो बार बार ये पूछता रहता था गुरुदेव से कि महाराज, वो फोन आता था महाराज जी का, बार बार पूछता था कि मेरा बनाया हुआ जगन्नाथ पालेंगे ना। तो गुरुदेव कहते थे, अरे पालेंगे नहीं पा लिया। इस कारण से केवल इनके अनुकंपा इनकी कृपा से ही हम लोग भक्ति प्रत में, क्योंकि रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि किसी जीव में भजन करने की सामर्थ्य नहीं है, केवल भगवान का भजन जीव करता है, तो गुरुर भजन विक्रमात, भक्ति रसामृत सिंधु में लिख रहे हैं, गुरुदेव के भजन के ब्याज से ही व्यक्ति जो है भजन कर पाता है। और तो बाकी आज के दिन में क्या कहूँ, आज तो मेरा खुद का ही दिन है इस कारण से, और आज सब लोग, आप लोग आए और आप सब लोग मुझे बार बार आशीष प्रदान कीजिएगा कि मेरा बस थोड़ा बहुत जो भी है संस्कार से उदय हुआ कि इस दिव्य परंपरा में पहुंचा, जो गुरुदेव मुझसे कराना चाहें वो मैं करने की कोशिश क्या वो कर सकूं, ऐसी आप सब लोग कृपा करके मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। और आज मेरे साथ एक और प्रभु जी का बर्थडे है श्रीपाल मास्टर जी हमारे, उनका भी बर्थडे है आज, तो इसीलिए
बाकी तो क्या आज, और आज मेरे, और एक और बात, आज मेरे बहुत बेस्ट, आज मेरे राहुल चलत दसानन डोलत अवनी, आज और आज मेरे एक परम मित्र यहाँ पे आए हैं सिकंदराबाद से, वो पीछे बैठे हैं युगल, तो एक बार आप उन लोग उनके लिए भी एक बार मंगल कामना कर दीजिए। हम लोग चार वर्ष से एक दूसरे के दोस्त हैं, परंतु आज प्रत्यक्ष इनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये अध्यात्म में बहुत ऊंची अवस्था में पहुंचने वाले विशेष व्यक्ति हैं। इन्हीं सभी शब्दों के साथ वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु वचन पतिता नाम पावनी भ्यो वैष्णव भजन बोलना चाहते युगल, आ जाओ युगल, कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम राम, और घर जोर करके बोलो बोला हरे श्री श्री माध भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री 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 माध भक्ति वेदांत श्री लो नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णविया माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज एक विशेष तिथि है, हमारे संप्रदाय के एक महान भक्त आप लोग अभी अभी श्रवण कर रहे थे, जिनका नाम था श्रीवास पंडित, आज इनकी जन्मतिथि है। और उसके साथ साथ में श्री चैतन्य चंद्र, जिसको चिराग कह दो, इसका भक्ति नाम है चैतन्य चंद्र, और दूसरे का नाम क्या प्रभु जी? श्रीपाल। हाँ श्रीपाल, मैंने आपका क्या नाम दिया है? क्या? श्रीकांत प्रभु जी। हाँ आगे आ जाओ, पीछे क्यों बैठे, आगे आ जाओ। इसलिए आज इनका भी जन्म तिथि है, इसलिए मानो जो आज है ये त्रिवेणी ये संगम है, गंगा जमुना और सरस्वती, ये तीनों का आज संगम है। आज ये तीन भक्तों का आज ये जन्म तिथि है, इसलिए अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे, कहते जो श्रीवास पंडित है, कहते ये कृष्ण लीला में महाप्रभु लीला में ये श्री नारद जी है। क्या नाम इनका? नारद है। कहते इनका नाम ही नारद, मतलब क्या बोले, नर मतलब होता है रस, नर मतलब होता है ज्ञान, जो सब जीवों को रस देते हैं और ज्ञान देते हैं। नर मतलब होता है आसक्ति, अर्दा मतलब होता है खंडयती। अगर इनकी थोड़ी सी कृपा हो जाए ना, बस कि संसार बंधन से आप मुक्त होकर के चिरकाल के लिए आनंद आनंद भगवान का जो धाम है वो प्रभु का धाम को प्राप्त कर लो। अगर इनकी थोड़ी सी किसी को ऊपर कृपा हो गया तो, इसलिए कहते इनके बगैर प्रभु का कोई भी लीला नहीं हुए। कोई भी लीला देख लो, जैसे रामलीला देख लो, इनका कारण है ना, ये नारद है, इनके बगैर कोई लीला नहीं हुई। एक समय श्री नारद जी का बहुत बड़ा अभिमान हो गया, बोले क्या अभिमान, बोले जो काम कोई भी नहीं कर पाए वो काम मैंने किया। बोले क्या काम है, बोले माया को जगत में अभी तो कोई जीत नहीं सकता। शंकर जी देव महादेव जोगी जोगी महाजोगी और सत्यम शिवम
सुंदरम शंकर जी, वो भी भगवान की मोहिन रूप देखे तो सारे कपड़ा पपड़ा कहाँ चला गया, डम्बरू कहाँ पर गिरा, और मोहिन को पीछे भागते रहे, पूरा जंगल पूरा उनको भटका दिया मोहिनी। कहते मैंने हैं ये माया में शंकर भी स्वयं मोहित हो गए। कहते मेरे पिता ब्रह्मा जी वो उन्होंने एक सुंदरी लड़की उन्होंने बनाया, अपना बेटी को प्रति वो आसक्ति हो गई, बेटी को प्रति आसक्ति हो गई ब्रह्मा, इसलिए ये भी माया में मोहित हो गए। आप लोगों ने विश्वामित्र का नाम जानते हो, भगवान राम के गुरु है। कभी ये कहाँ पहाड़ के ऊपर में तपस्या कर रहे थे, लेकिन ये मेनका की चरण की एक नुपुर की झंकार से सारे भजन भजन कहाँ चला गया। इंद्र आपको पता अहल्या के प्रति आसक्ति होकर के कितने दुर्गति भोगना था। कहते जो काम को दुनिया में कोई नहीं कर पाए वो काम मैंने किया, बोले क्या किया। इसलिए नारद जी तपस्या कर रहे थे, इतने में इंद्र डर गया, हो ना हो मेरे पद को नहीं ले जाए, इसलिए उन्होंने रंभा उर्वशी मेनका को भेज दिया। नारद जी भजन कर रहे थे, जब उनकी चरण के नुपुर की झंकार को सुनी, इतने में नारद जी का आँख खुल गई और ये सबके सब डर कर भाग गए। हो ना हो जैसे शंकर जी कामदेव को जला करके राख बना दिया, हो ना हो हमें भी राख नहीं बना, इसलिए सबके सब भाग गए। अभी नारद जी को मन में तो इतने बड़ा अभिमान हो गया, बोले जो काम कोई नहीं कर पाया वो काम मैंने कर दिया, बोले किया, बोले माया ने जीत लिया, अभिमान हो गया। इसलिए ब्रह्मा जी अपना पिताजी को पास में गए, बोले पिताजी जो काम आप नहीं कर पाए वो मैंने काम किया, माया ने जीत लिया। ब्रह्मा बोले राम 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 राम, इस बात मत कहा करो, तेरे को पता नहीं माया के क्या पराक्रम है। शंकर जी को पास में गए, हाँ बड़े भाई शंकर जी, बोले आप जो काम नहीं कर पाए वो काम मैंने किया, बोले किया क्या, बोले माया को जीत लिया, बोले राम 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 राम, खबरदार ऐसे मत कहा करो, तुमको माया की पराक्रम पता नहीं। अभी नारद जी सोच रहे हैं मैंने इतने बड़ा काम मैंने कर लिया, लेकिन मेरे को कोई वाहवाही नहीं दे रहे, इसलिए भगवान विष्णु के पास में गए। भगवान ने देखा इसका तो फोड़ा हो गया है, इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति जगत में ध्यान देकर सुनो, भक्ति जगत में अभिमान नहीं होनी चाहिए। कि तो ये अभिमान ये सुरापान, जैसे कोई शराब पीता है ना, वो शराब पी करके हैं नाली में गिर जाता है, लेकिन क्या सोचता है मैं तो बादशाह है। कहते तो उसी तरह जो अभिमान है एक तरह का सुरापान, ये शराब पीना जैसे, इसलिए भक्ति जगत में अभिमान नहीं होनी चाहिए। भगवान ने देखा इसका फोड़ा हो गया, इसको ऑपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि ये बढ़ते बढ़ते और ऊपर नहीं चले जाए। भगवान इतने नारद जी को बहावा दिए, बोले मैं एक माया जीत और तू एक दूसरे माया जीत हैं, खूब उनको बहावा दिए, बोले सचमुच से ठाकुर जी सबको ठाकुर जी प्रेम देना जानते हैं, सबको आदर देना जानते हैं। इतने में नारद जी उतर रहे थे वैकुंठ से, इतने में ठाकुर जी ने क्या किया, बीच में एक सुंदर सभा रचना कर दिया, जहाँ पर एक सुंदरी विश्व मोहिनी अपूर्व सुंदरी एक लड़की, वहाँ पर सारे देवता लोग बैठे हुए थे और वरमाला लेकर के उसको उपयुक्त पति कौन बनेगा, पहले स्वयंवर सभा होती थी ना, वो अपना मन पसंद पति को चुनती थी। जब उतर रहे थे इतने में वो लड़की की जो पिता थी, बोले नारद बाबा मेरे घर मेरी एक लड़की है, आज की स्वयंवर सभा, थोड़ी सी आप कृपा करके आओ, देखो तो मेरी बेटी की थोड़ा हाथ देख लो। लेकिन वो तो साधारण थी नहीं, वो लक्ष्मी स्वयं थी, हैं उसको हाथ में जो चिन्ह था ना, बोले अगर ये लड़की को साथ में किसकी शादी हो जाएगा वो तो घर में माला माल हो जाएगी, उसका पति अखंड सौभाग्यवती बनेगी, पति कभी मरेगा नहीं, धन दौलत में घर भरपूर रहेगी और चारी तरफ में उसकी जय जयकार होगा। अभी नारद जी इतने सुंदर उसकी हाथ थी, वो हाथ देख कर ही पागल हो गया, बोले भैया सबके सब जुड़वा जुड़वा है, लक्ष्मी नारायण सीता राम राधे श्याम हैं पार्वती और शिव, ये सबके सब जुड़वा जुड़वा, फिर मैं अकेला क्यों रह जाऊँ, मैं भी शादी कर दूँ, और इतने सुंदर लड़की है हैं कभी मिलेगी नहीं। अभी वो सोच रहे हैं नारद जी इससे मैं विश्व महीन को शादी कर लूँ, लेकिन फिर सोच रहे हैं भाई मैं तो भजन करते करते मेरे शरीर में हड्डी रह गया, ये लड़की तो अभी सबसे जो सुंदर होगा उसको पसंद करेगी, लेकिन अभी तो ये मेरे को पसंद करेगी नहीं। इतने में सीधा वैकुंठ गए और भगवान नारायण को बोले
बोले प्रभु आपसे अभी तक मैंने कोई चीज की मांग नहीं की, आज थोड़ी समय के लिए एक चीज दो, चीज दे दो। बोले किस चीज की? बोले आपका जी हरि रूप है, भगवान सबसे सुंदर, उनसे सुंदर दुनिया में कोई नहीं, ठाकुर के बराबर कोई सुंदर नहीं, आपके जो सुंदर हरि रूप थोड़ी समय के लिए दे दो। भगवान ने बोला कोई बात नहीं, मैं तुमको अपना हरि रूप दे दिया। हरि का दो अर्थ होता है, हरि तो जो पाप ताप को धारण करते हैं वो हरि, दूसरा हरि मतलब होता है बंदर। एक बंदर कभी प्रजावज में हरि, भगवान बोले तेरे जैसे कल्याण वो हरि रूप दे दिया, एकदम काला बंदर का मुंह उनको दे दिया। और उन्होंने सोचा सबसे सुंदर मैं हूँ, उतर करके आया, बोले जरूर ये लड़की मेरे गले में बलमाला डालेगी। वो लड़की जिधर जाती है ना, वो नारद जी उधर घूम कर जाते हैं और अपना सर को आगे बढ़ा देते हैं, बोले देख मैं कितने सुंदर, मेरे गले में माला डाल दे। लेकिन वो तो मुंह काला बंदर का मुंह, वो लड़की तो नाक सिकुड़ती हुई दूसरे तरफ में चली जाती। नारद जी सोचते शायद इसका नजर मेरे ऊपर पड़ नहीं रही, वो मेरे को ठीक से देख नहीं रही। फिर घूम करके वो लड़की जिधर फिर आती, फिर सर को बढ़ाते हैं, फिर उन्होंने नाक सिकुड़ती हुई दूसरे तरफ में पूरा उनको घुमा दिया। इतने में भगवान वैकुंठ से गरुड़ को पीठ पर बैठ करके आए और वो लड़की भगवान के गले में माला डाल दी। ठाकुर जी गरुड़ को पर बैठाए और जब उसको ले करके जा रहे थे ना, इतने में देवता ने बोले नारद जी अपना रूप तो थोड़ा देखो। उन्होंने एक शीशा पकड़वा दिया, शीशा में देखा मुंह काला बंदर का मुंह है, खुद भी अपना मुख भी नहीं देख सकते। इतने में नारद जी को इतने क्रोध आया, नारद जी को भगवान को अभिशाप दिया, बोले तुमने बोला मैं अपना हरि रूप दे रहा हूँ और मेरे को काला बंदर का मुंह तुमने दे दिया, दे करके खुद आकर के लड़की को उठा करके ले गया, दुनिया को नचाते हो, अभी तेरे को मैं अभिशाप देता हूँ। जिस लड़की को पीछे तुमने मेरे को दर दर भटकाया, एक दिन इसी लड़की को पीछे तेरे भी दर दर भटकना पड़ेगा, इसके पीछे भी दिन तुमको रोना पड़ेगा। तुमको उन्होंने अभिशाप दे दिया। बोले कौन सा लीला है? कहते राम लीला। जब माता सीता को रावण उठा करके ले गया, भगवान राम हा सीते कहाँ तुम हो, लता पता वृक्षों को पूछ रहे थे प्रभु सीते तुम कहाँ हो है। इतने में भगवान ने माया को हटा दी, माया को हटा करके जब माया को हटा दी, नारद बोले ये क्या हो गया, मैं तो सोच रहा था मैंने माया को जीत लिया, अभी साक्षात लक्ष्मी को ऊपर मेरी आसक्ति हो गई। इतने में भगवान ने बोले नारद जी कोई चिंता मत करो, जब इस सीता को रावण उठा करके ले जाएगा, जब मैं बिलबिलाते हूँ इसके लिए रोऊंगा, तुम्हारी जैसे काला मुंह बंदर वालों का मैंने मदद लूंगा, मदद लेकर के सीता जी को मैं उद्धार करूंगा। इसलिए ये नारद भी रामलीला को जो प्लेटफॉर्म बना रहे नारद है, कृष्ण लीला में भी यही नारद है। इन्होंने ही कंस को उन्होंने भड़काया है, कंस को भड़काया, बोले जानते हो ये कृष्ण बलराम कौन, बोले कौन है, बोले जो आकाशवाणी हुई थी ना, अष्टम गर्भ का संतान तेरे काल बनेगा, ये आकाशवाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। बोले कैसे? बोले रात को तो सोता रह गया, वसुदेव बोला सारे बच्चे दे दूंगा और रात रात पहुंचा दिया गोकुल में। इतने में इतना क्रोध आया, बोले अभी मैं दंड देता हूँ। बोले देखो जोश से होश को मत खोया करो, एक काम करो, अभी भी तेरे पास में बड़े बड़े पहलवान हैं, उनको कृष्ण बलराम को बुलाओ धनुष यज्ञ की बहाना से और यहीं पर मिल कर इसको खत्म कर दो। बस नारद भयका करके भाग गए, कृष्ण बलराम आए और कंस समेत खत्म। फिर कहते इनकी कारण है जो कृष्ण लीला भी बना है और इनकी कारण से कहते श्री चैतन्य महाप्रभु लीला में भी यही आए, नारद रूप में कहते श्रीवास पंडित रूप में यही आए। फिर जब ये नारायण वैकुंठ लोक में जाते हैं, कहते ये कौन सा नाम लेते हैं, श्रीमन नारायण 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 का, जब वैकुंठ में रहते हैं, मतलब प्रभु की हर परिकर रूप में ये, हर परिकर रूप में यही आए नारद, इनके बगैर प्रभु का कोई मिला नहीं हुई है। लेकिन जब वैकुंठ जाते हैं नारायण, लेकिन जब अयोध्या जाते हैं रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम जय रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम, जब जाते हैं अयोध्या में। लेकिन यही नारद जब वृंदावन में आते हैं फिर क्या करते हैं, बोले नारद मुनि बाजाए बिना राधिका रमण नाम, जब वृंदावन में आते हैं राधा कृष्ण का नाम पर कीर्तन करते हैं, हैं?
लेकिन यही जब श्री चैतन्य महाप्रभु लीला में आते हैं, कृष्ण लीला में भी उन्होंने कृष्ण की सखा बन करके मधुमंगल बन करके कृष्ण लीला में उन्होंने सखे रस को भी आस्वादन किया। जब महाप्रभु का रूप में आते हैं, महाप्रभु रूप में उस समय में महाप्रभु लीला में बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की, कहते इनके हर लीला में ठाकुर जी की नारद जी में, नारद जी का हर लीला में इनकी हाथ है, इनके बगैर कोई लीला नहीं हुई है, हैं हर लीला में। लेकिन हर लीला में एक बात देखो, इन्होंने शादी नहीं किया नारद, एकदम अखंड ब्रह्मचर्य को उन्होंने पालन किया। जैसे ब्रह्मा जी के जस पुत्र हुए, नौ बेटे तो शादी किए, लेकिन नारद जी बचपन से वैराग्य, उन्होंने शादी वादी नहीं किया, खुद तो शादी किया नहीं, दूसरे का शादी को भी बिगाड़ दिया। किसको? नारद जी का, जिनका संग हो गया ना, बस वो शादी खत्म, उनको शादी भी करने नहीं दिया। इसलिए दक्ष प्रजापति ने 10,000 बच्चों को जन्म दे करके भेजा, जाओ नारद जी के पास में पढ़ाई लिखाई करो। जब पढ़ाई खत्म हो गया, जब वो घर गृहस्थी करने जा रहे थे, बोले देखो संसार में जा रहे हो, समझ बुझ करके जाओ, अगर एक बार फंस गया ना फिर निकलना बड़ा कठिन। उन्होंने ऐसे प्रश्न की, बोले बताओ तो ऐसे कौन सा बिल है जो बिल में एक बार कोई अगर निकल घुस गए ना, निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता, बता सकते हो ऐसे कौन सा बिल? सब कुछ पता होगा, जैसे सामने कोई एक समस्या, स्वस्थ होंगे किसी तरह से ये समस्या हल हो जाए, भैया चैन मिलेगा। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में देखना, वो एक समस्या हल नहीं हुई, सामने दूसरे समस्या है, दूसरे समस्या, माताएं सोचती हैं बेटे को पढ़ा लिखा कर दो, बस समस्या खत्म हो गया, पढ़ा लिखा तभी नहीं, शादी करा दो, बस शादी हो जाएगा ना, फिर तो रोज सत्संग में जाया करूंगी, सोचती हैं। लेकिन जब से शादी हो गई ना, बहू आ गई, बोले डोकरी दिन भर घूमती रहती है, कोई काम धाम नहीं, बच्चे को पकड़ती नहीं, और दिन भर सत्संग में जाती है। इसलिए आप देखना, ये संसार ऐसे के बिल है, एक समस्या के बाद में दूसरे, दूसरे से तीसरे, निकलने का तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा, मरने का दम तक भी ये घर गृहस्थी ऐसे है, जिस बिल में घुस गए निकलने का कोई रास्ता नहीं, ये ऐसे के संसार है। पहले मैं बोलता हूँ ना, कोई लड़की जब शादी करते हैं खूब रोती है, देखना जब जाती है अपना ससुर घर, एक रो बेटी बहुत रो रही थी, परिवार समझा रहे थे बेटी कोई चिंता मत करो, बीच बीच में आ जाना, हम भी चले जाएंगे बीच बीच में, तुम भी बीच बीच में आ जाना, बेटी मत रो, लेकिन रोना बंद नहीं हो। पति ने कहा क्यों रो रहे हो, चुप हो जा, रोती जा रही है, रोती जा रही है। बोले जिंदगी में पहला बार मैंने रो लिया, आज से मेरा रोना बंद, कल से तेरा रोना शुरू हो गया, कल से मैं और नहीं रोऊंगी, तेरे को रोना पड़ेगा जिंदगी भर, हैं। इसलिए नारद जी का संग जिसको मिल गया ना, पास घर गृहस्थी गुजार दिया पूरा, किसको खुद शादी नहीं किया और दूसरों को भी शादी कराने नहीं दिया, और सबके सबके नारद जी सबको भक्त बना दिया नारद जी, ऐसे इनकी अद्भुत संग इनकी है। लेकिन हर अवतार में उन्होंने ब्रह्मचर्य में रहे, लेकिन जब महाप्रभु को लीला में आते ना शादी किया, जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को लीला में आए उन्होंने शादी किया, उनका बच्चा भी हुआ है। आप लोग अभी सुन रहे थे ना, भले उन्होंने महाप्रभु लीला में शादी क्यों किया, भले कारण है, उन्होंने दिखाया जो व्यक्ति घर गृहस्थ में रह करके भजन करना चाहते हो आपको कैसे भक्ति करनी चाहिए। ऐसे नहीं शादी कर लिया, बीवी बच्चे हो गए, दिन भर उनकी उनकी सेवा में मस्त हो गया, भगवान भगवान को भजन को एक तरफ रख दिया, नहीं। इसलिए वो शिक्षा देते हैं गृहस्थ लीला हमें कैसे करनी चाहिए। देखो सबसे प्यारा बेटा होता, सबसे प्यारा एक बेटा था, अब सुन रहे थे ना, जब भगवान साक्षात जिनके घर में कीर्तन कर रहे हैं, ठाकुर साक्षात जिनके घर में कीर्तन कर रहे हैं, उसी समय में इनके बेटा शरीर छोड़ा, लेकिन जब इनको पता चला वो दुखी नहीं हुए, बल्कि पहले जितने सुखी थे ना, पहले जब कीर्तन में आए बच्चा मर गया, वो जाकर ज्यादा ज्यादा छलांग लगाकर कीर्तन कर रहे थे। महाप्रभु बोले आज ही मन को शांति क्यों नहीं बोल रहा है, लगता है कोई अनहोनी हो गया इनके घर में। जब महाप्रभु इतना बोले ना, उन्होंने पहले ही छलांग लगा दी, बोले प्रभु आप क्या बात कर रहे हो, जहाँ साक्षात वैकुंठपति स्वयं भगवान कृष्ण जिस घर में नृत्य कीर्तन करते हैं वो घर में कभी अनहोनी हो सकता है, प्रभु आप ऐसे क्यों कह रहे हो। इतने में अद्वैत आचार्य बोले प्रभु इनका जो एक लौता बेटा था ना शरीर छोड़ गया। महाप्रभु तो रो पड़े,
मतलब जिसने मेरे प्रेम के लिए, मेरे सुख के लिए अपना बेटा का शोक भी, जिसको शोक ग्रस्त नहीं कर पाए, बेटा मर गया तभी नृत्य कीर्तन कर रहे हैं। बोले चलो, जब वहाँ पर गए, अभी सुन रहे थे, जब उसको छाती पर हाथ रख दिया ना, फिर दोबारा जिंदा गया, क्योंकि भगवान है ना। देखो, हम जिसको तिसको भगवान कह देते हैं, भगवान किसको कहते हैं? कहते ना, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम जो सत्य थे, जो है को नहीं, नहीं को जो है कर सकते हैं। जिंदा हुआ व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति को भी जो जिंदा कर सकते, दिन को जो रात बना सकते हैं, वो भगवान है। इसलिए महाप्रभु ने तीन तीन बार मरे हुए व्यक्ति को बचाया। कृष्ण लीला में भी देखोगे, भगवान कृष्ण भी तीन तीन बार मरे हुए बच्चों को उन्होंने जिंदा किया। अपना छह भाइयों को जाकर के लेकर के आ गए, कहाँ से? नरक लेकर के जम लोगों से आ गए। शांतिपनी ऋषि का जो बेटे को, जब गुरु दक्षिणा रूप में मरे हुए बेटे में आ गए, कहाँ पर चले गए? जम पास में जाकर वहां से भी उन्होंने बच्चों को वहां से भी लेकर के चले आए हैं। द्वारका में जो बच्चे जन्म होते ही मर जाते थे, जन्म होते ही मर जाते थे, फिर उन्होंने जाकर के वहां से मरे हुए बच्चों को भगवान ले आए। श्री चैतन्य महाप्रभु भी तीन तीन बार उन्होंने मरे हुए व्यक्ति को उन्होंने जिंदा किया। महाप्रभु ने महाप्रभु वहां पर गए, छाती पर हाथ रखते ही मरा हुआ बेटी जिंदा हो गया। सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। फिर महाप्रभु ने पूछा, बेटा तू कहाँ चला गया? बोले प्रभु, आपने जहाँ भेजा मैं वहीं चला गया, जहाँ भेजा वहीं चला गया, लेकिन जहाँ गया बहुत अच्छा अच्छे रूप में हूँ, मेरे ऊपर में आपकी बड़ी कृपा रही, क्योंकि भक्त घर में मैंने जन्म लिया है। जो व्यक्ति भक्त घर में, हमारे तो भक्त लोग कहते हैं, भैया भक्त घर में कुत्ते रूप में भी जन्म लो, बड़े भाग्यवान। जिस घर में हरि भजन होता है, परिवार भक्ति करते हैं, उसी घर में कुत्ते रूप में जन्म लेना भी बड़े सौभाग्य की बात। बोले क्यों? कहते भक्त भगवान के भोग लगाएगा और खाना नहीं खाएगा। जो कुछ लगाएगा ठाकुर को भोग लगाएगा, तभी तो भोजन करेगा ना। तब किसको भोग लगा? ठाकुर जी को। उसको बाद में राधा रानी वो प्रसाद पाती है, फिर वो प्रसाद ललिता विशाखा पाती है, रूप मंजरी पाते हैं, प्रभुपाद पाते हैं, गुरुदेव पाते हैं। इतने सारे भक्त का प्रसाद कौन पाता है? घर के जो मालिक ही पाता है। लेकिन कुत्ते को हम क्या देते हैं? नियम है, खाने का अग्रभाग गैया को देनी चाहिए। ये नियम है, खाने का अग्रभाग गैया के लिए हमारे धर्म कहता है। भगवान को भोग लगाकर गैया को पहला अग्रभाग देनी चाहिए, और खाने का जो बच जाता है लास्ट, उसको किसके लिए? कुत्ते के लिए। ये नियम है, खाने का अग्रभाग लास्ट को ये कुत्ते को देनी चाहिए। लेकिन जिस घर में भक्ति करते हैं, सबके सब भजन करते हैं, जिस घर में सब भक्त जो प्रसाद पाते हैं, बच्चा हुआ कुत्ते को देते हैं, तो कुत्ता किसका प्रसाद पाता है? भगवान का, सारे भक्तों का प्रसाद तो कुत्ता ही पाए। इसलिए कहते प्रभु, अगर भक्त घर में जन्म देना ना हमें, हमें आपका संतों को घर में जन्म दो, भक्त घर में जन्म दो। जिस घर में जन्म लेने पर संत जो अपना झूठन को फेंक देगा, अहोभाग्य है संतों का, झूठा हमें मिलेगा। और शास्त्र कहता है, अगर कोई माया से पर पार जाना चाहते हैं, संतन का झूठा जितने जल्दी हमें प्रभु का भक्ति में बढ़ा सकता है, और कोई भी प्रभु की भक्ति में इतना बढ़ा नहीं सकता। इसलिए भक्त घर में कुत्ता जन्म लेना भी सौभाग्य बात। उन्होंने बच्चे को दो बार जिंदा कर दिए। जिंदा करके फिर उन्होंने सारे बात उनको पूछे, कहाँ चले गए, क्यों चले गए? वो इतने बढ़िया बढ़िया तत्व ज्ञान उन्होंने दिया है ना, जिसको सुन करके उनका परिवार लोगों का जितने अज्ञान, सारे अज्ञान खत्म हो गया, सारे अज्ञान उनकी खत्म हो गई। फिर महाप्रभु बोले, तुम लोग क्या चाहते हो बताओ, बेटे को जिंदा कर दे ना क्या? बोले नहीं प्रभु जी, क्यों? एक दिन तो मरना ही। लेकिन ये खुद कहता है, आपका कीर्तन सुनते सुनते, आपका नाम सुनते सुनते हमने शरीर छोड़ा, हमें कितने सौभाग्यवान। जन्म जन्मांतर तो शरीर छोड़ता है, लेकिन ऐसे कहाँ सौभाग्य मिलेगा ठाकुर को सामने कीर्तन सुनते सुनते, और अंतिम समय में जैसे सोचते सोचते, जो से सुनते सुनते अंतिम शरीर कोई छोड़ता है, गति भी वैसे होता है। इसलिए कहते, जम जम व्यापी शरण भाव त्यजंत अंत कलेवरम तम तम एव कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अंतिम समय में जीव जैसे सोच सोच करके ये प्राण त्याग देता है, उसको गति भी वैसे होता है। मेरा कितना भाग्य है। तो महाप्रभु बोले, जिंदा कर दो। बोले नहीं प्रभु, ये खुद कहता है, मैं बहुत अच्छे जगह पर गया हूँ, मेरा बहुत भाग्य है, ठाकुर को सामने शरीर छोड़ रहा हूँ, ऐसे सौभाग्य मिलेगा, उसको लाने का जरूरत नहीं।
इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं जो गृहस्थ लोग हैं उनको घर में कैसे भक्ति करनी चाहिए। हाँ देखो ध्यान देखो सुनो, यहाँ पर नारद जी, ये नारद जी एक समय श्री युधिष्ठिर महाराज को घर में आए। जब युधिष्ठिर महाराज को घर में आए तो युधिष्ठिर महाराज नारद जी को प्रश्न करते हैं, बोले हे प्रभु, हम तो पांच पांच भाई हैं, पांच पांच का शादी हो गया, बच्चे भी हो गए, हमारी परिवार बहुत बड़ा परिवार हो गया, आप कृपा करके ये बताओ हम घर में रहते हुए कैसे भक्ति करनी चाहिए। नारद जी को प्रश्न कर रहे हैं। देखो ये नारद जी स्वयं कह रहे हैं, बोले गृहे उपस्थित राजन क्रिया कुर्वन जथोचिता वासुदेव अर्पण सख्या उपासित महामुनि। क्या कह रहे हैं, हमके घर में कैसे भक्ति करनी चाहिए। बोले गृहे उपस्थित राजन क्रिया कुर्वन जथोचिता, गृहस्थ धर्मों को पालन करते हुए सत मार्ग में चलो, कहते असत मार्ग में पैसा हमें रोजगार नहीं करनी चाहिए है, क्यों शरीर में कीचड़ लगाए फिर कीचड़ को फिर दो बार क्यों साफ करे है, उल्टा उल्टा द्वारा पैसा क्यों कमाए फिर पैसा क्यों दान दे। इसलिए सही उपाय में पैसा कमाओ और क्या करो, बोले क्रिया कुर्बन जथोचिता, मतलब है गृहस्थ, मतलब ये नहीं शादी हो गया बीवी आ गई बस उसके साथ में मस्त हो गया, बच्चे हो गए उनको लालन पालन करते हुए जीवन बिता गया या नारद कहते नहीं ऐसे नहीं, क्या करनी चाहिए। बोले वासुदेव अर्पण सख्या, मतलब घर में जो कुछ करो भगवान के लिए करो, सुंदर घर बनाओ, घर किसकी कृपा से हुई, घर किसके है ठाकुर, ये घर किसने दिया है ठाकुर ने, ठाकुर जी का दरबार है, घर पर अपना घर मत माना ठाकुर जी को, पैसा कमाओ, पैसा के बगैर कुछ होता ही नहीं, लेकिन पैसा लक्ष्मी, पैसा लक्ष्मी, पैसा किसी के लिए कमा रहे हो लक्ष्मी नारायण की, ठाकुर का सेवा के लिए पैसा कमा रहे, बात हो गया, बढ़िया बढ़िया रसोई बनाओ, बढ़िया बढ़िया खाना बनाओ, लेकिन किसके लिए बना रहे हो, ठाकुर जी को भोग लगेगा, बस भक्ति हो गया। और क्या, घर में झाड़ू लगाओ, बोले कहाँ झाड़ू लगा रहे हो, बोले ठाकुर की दरबार, अगर ठाकुर जी कभी घर में घूमेंगे अगर कहीं धूल पड़ा हुआ ठाकुर के चरणों में नहीं लग जाए, इसलिए हम घर में इसलिए झाड़ू लगा रहे हैं कि ठाकुर जी का मंदिर है। बच्चों को पालन करो, बोले क्यों पालन कर रहे हो, बोले ये बड़े होकर कृष्ण भजन करें, क्या करेगा, बच्चे बड़े होकर भक्ति करेंगे, इसलिए हम बच्चों को पालन कर रहे हैं। अगर बच्चों को जन्म दे दिया, भागवत कहता है अवैष्णव सतपुत्रा जननी सुकरी समा, देखो ये क्या कहता है, अगर तुम्हारे सभी बेटे हो गए लेकिन कोई प्रभु का भजन नहीं करता है, भागवत कहते भाई सूअर भी तो बच्चा जन्म दे रहा है, एक एक साथ में एक एक दर्जन बच्चा दे रहे हैं, बताओ गांधारी गांधारी के कितने बच्चे थे, 100 थे ना, लेकिन एक कृष्ण भक्त बना, कुंती के कितने बच्चे थे, पांच बच्चे कृष्ण भक्त, शास्त्र कहता है तभी बच्चे जन्म दो जब बच्चे को भजन में लगा पाओगे, नहीं तो शास्त्र कहता है नहीं तो बच्चे जन्म मत दो या करो, मना कर देता है शास्त्र, मना कर देता है जब बच्चे को भजन में लगा पाओगे तभी बच्चे को जन्म दो, नहीं तो तुम बच्चे जन्म देने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। नाम से चार तीन बच्चे, एक जुआरी एक शराबी गंजड़ी भंगड़ी बन गए, ऐसे बच्चे देने का कोई मतलब है। इसलिए भागवत कहता है ध्रुव जैसे बच्चा जन्म दो, प्रहलाद जैसे बच्चे जन्म दो है, ऐसे बच्चे जन्म दो जो बच्चे भगवान की भजन करे, और बच्चे में अगर एक बेटा अगर भजन करता है उसको 21 पीढ़ी उधार हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर श्री नारद जी स्वयं कह रहे हैं, बोले हे पांडवों, तभी यो गृहस्थ गृहस्थ है जब घर के पूरा परिवार भगवान की भजन करते, भगवान की भक्ति करते हैं, तब भी परिवार तुम्हारी सही, और जिस परिवार में भगवान की भक्ति भजन करके तो घर घर ही नहीं, वो घर भगवान की धाम, वो घर क्या है, वो घर भगवान, वही वृंदावन धाम है जिस घर में सबके सब भगवान की भजन करें। इसलिए हमारे यहाँ पर कुछ परिवार लोग है पूरा को पूरा परिवार भजन करते हैं, हाँ पूरा की पूरा इनकी परिवार परिवार को भजन में लगा कर रखते हैं। जैसे हमारे एक उमा दीदी कहाँ है, देखो उमा दीदी, देखो देखो इनका आदर्श बोलो, जैसे उमा दीदी कथा में आती है लेकिन उसको बहू को भी लेकर के आते, बोलो बहू चल, और उसको भगवान बहू भी अच्छी दी है, तो गले में कंठी माला तिलक है, केवल यही नहीं ये कोशिश करते हैं उसको बच्चे को भी देखो, बच्चे को साथ में लेकर के आए और उनका बेटी को भी साथ में, चलो क्यों कि जैसे संगत में जाओगे ना रंग तुम्हारी वैसे बदलेगा, जुआरी को साथ में बैठोगे तो जुआरी बनोगे, चोर को साथ में बैठोगे तो चोर ही बनोगे, गंजड़ी भंगड़ी को साथ में बैठोगे वैसे ही बन जाओगे, मेन है संग है,
अगर भक्तों का संग में आओगे उठोगे बैठोगे तो क्या हो जाओगे? भक्त बन जाओगे, पूरा भक्त बन जाओगे, परिवार भक्त बन जाएगी। देखो इनका परिवार में देख लो, देखो छोटा बच्चा भी आया तिलक लगा कर गले में घंटी, उनके बहू को देखो घंटी देखो, और हमारे मणिमंजरी दीदी को देखो उनका पूरा परिवार भक्त है। देखो उनको प्रभु जी भी आए, पत्नी साहब बच्चों को सबको लेकर के आए, और वो जो दीदी बैठी तुम्हारे नाम क्या है? राधिका दीदी। देखो उनको पति भी आए, वो भी अपना बेटे को रोज आकर के उसको बैठा बैठा हुआ आती है। इसलिए यहाँ पर भी लड़कियाँ आई, उनको माता भी लड़की को सब लेकर के आती है। इसलिए खुद भी आओ, क्या कर अपना बच्चों को लेकर के आओ, लाने से क्या होगा है? जैसे ये प्रभु जी बैठे हैं, ये भी अपना बच्चों को बेटी को देखो बेटी बेटाओं को लेकर के आते हैं। इसलिए देखो साधारण भाग्य से घर के लोग भजन नहीं करते हैं। ये कृष्ण खुद कहते हैं जनई पूर्व सत जन्मम वासुदेव समर्चनम तन्मुखे हरिनामानी सदा तिष्ठति भारत। बोले हे अर्जुन कौन मेरे नाम को ले सकता है? बोले जिसने पूर्व जन्म में 100 जन्म तक जिसने निष्कपट रूप में ठाकुर की सेवा पूजा की उसी की मुँह से ही मेरा नाम उच्चारण होगा, वही व्यक्ति मेरे भजन कर सकता है। भगवान कहते अहो बत सपोच अतो गरिया, भले ही चंडाल क्यों नहीं हो, अगर जिसको जीवा में मेरे नाम उच्चारण होता है, पूर्व जन्म में सारे सत्कर्म करके आए। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं जो व्यक्ति प्रभु का नाम जप करते हैं, नाम जप करने का साथ साथ उनकी 3 काम हो जाता है। कितना काम हो जाता है? क्या क्या हो जाता है? हाँ देखो दीदी बोल रही है, इसलिए उसका 3 काम हो जाता है। पहला काम है देखो परिवार में हरि नाम करने पर कितने महत्व है, कितने महत्व। पहला काम होता है नरक में जब महाराज जब भूतों को अपना चित्रगुप्तों को बुलाते हैं, क्या बोलते हैं? बोले इधर आ जा। बोले क्यों? बोले रजिस्टर निकाल कर इसका नाम को काट दो, रजिस्टर से इसका नाम को काट दो। बोले क्यों? बोले हरि नाम कर रहा है ना, अभी इसको कभी नरक आना नहीं पड़ेगा। दूसरा काम ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी आरती की थाला से जाना शुरू कर देते हैं। बोले क्यों? बोले हरि नाम कर रहा है ना, जब गोलोक वैकुंठ जाएगा रास्ता में उसको हम आरती उतारेंगे। बोले तीसरा काम क्या है? बोले गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को कहती हैं, बोले सखी रजिस्टर ले आ। बोले क्यों? बोले इनका नाम को लिख दो, इनके नाम को लिख दो, ये और कभी नरक नहीं जाएगा, सीधा ये वैकुंठ आएगा। इसलिए इतने महत्व परिवार में जो भजन करने पर इतने महत्व, इसलिए क्या करो कोशिश करो, जैसे मंदिर में आने के लिए कोशिश करो, बच्चों को लाओ साथ में, बच्चे भी अच्छे संस्कारी बने। जिस घर में बच्चे भजन भक्ति करेंगे ना, देखना वो बच्चा दारू नहीं पिएगा, तो जुआ नहीं खेलेगा, सिगरेट नहीं फूकेगा, कभी कभी गलत रास्ता पर जाएगा नहीं, क्योंकि वो पिता माता को देख देख कर सीखेगा ना। पिता माता भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, इसलिए उनको देख देख करके बच्चा सीखेगा, फिर तो गलत काम पर कभी वो जाएगा नहीं। इसलिए क्या करो, इसलिए श्री नारद जी कहते हैं, नारद जी क्या कहते हैं? बोले कहते युधिष्ठिर महाराज घर में रहते हुए करना क्या है? भक्ति करना। घर में रहते हुए जो भजन करता है वो घर नहीं, वो घर भगवान की धाम है। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे बार जोर से बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 अरुण अरुण। कितना दूर बाकी है? हो गया। इसलिए इन्होंने नारद जी उपदेश देते हैं, ठीक है ना। इसलिए कहीं भी रहो भगवान की भजन अगर करेंगे संसार में, तो वो संसार ही भगवान का धाम बन जाएगा। इसलिए इनके जीवन में एक दो कथाएं हैं। भले ये 4 भाई थे, ये जो 4 भाई थे उनको 4 बहुएं और उनका बच्चे परिवार, ये लोग क्या करते थे, दिन भर घर में बैठी करके मजीरा ले लेते थे और ढोलकी ले लेते थे, और बैठी बैठी करके बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
दिन रात प्रभु का भजन करते थे, भक्ति करते थे, कोई काम धाम नहीं। एक दिन महाप्रभु जी के घर में आए, बोले श्रीवास तुम्हारे इतने बड़े परिवार, बीवी बच्चे इतने बड़े परिवार, लेकिन तुम कोई काम धाम नहीं करते हो और सबके सब घर में बैठ करके ताली बजा करके मृदंग मजरा लेकर भजन कर रहे हो, तुम्हारी घर द्वार कैसे चलेगा, तुम्हारी घर गृहस्थी चलेगी कैसे। जब उन्होंने इतनी सी बात बोले ना, उनने तीन बार ताली बजाई, बोले तीन बार ताली क्यों बजा रहे हो, बोले प्रभु आप ही भगवत गीता में प्रतिज्ञा किए हैं, क्या करते हैं, बोले अनन्यास चिंतयन्त माम जे जनाः परजुपासते तेषां नित्याभिजुक्तानां योगाख्यं वहाम्यहं। कृष्ण प्रतिज्ञा करते हैं, अर्जुन जो व्यक्ति 24 घंटा मेरे नाम कीर्तन और भजन में तीन रात मेरी भक्ति करते हैं, उसका सब दायित्व मैं ग्रहण करता हूँ। जो घर में नहीं होगा मैं सर पर रख करके घर में पहुँचाता हूँ, जो चीज़ें है घर में मैं स्वयं एक चौकीदारी बनकर रक्षा करता हूँ। आपने तो गीता में प्रतिज्ञा की ना, जब आप प्रतिज्ञा की आपका आदेश को मैं पालन कर रहा हूँ, आपका आदेश को मैं पालन कर रहा हूँ आपको। इसलिए पहला ताली बजा करके ये बताना चाह रहा था, एक दिन तेरे नाम को लेकर के मैं देख लूंगा मेरे घर में कुछ आता है कि नहीं। दूसरे ताली बजाया, दूसरा दिन भी देख लूंगा, बोले तीसरा ताली बजाया, अगर तीसरे दिन भी देख लूंगा अगर तेरे नाम को लेकर घर में कुछ आएगा नहीं ना, मेरे गले में कलसी बांध कर नहीं तो पत्थर बांध कर जमुना में गंगा में आत्महत्या कर दूंगा। इसको सुन करके महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए, उसको पीठ पर हाथ थपथपाए, बोले श्रीवास अगर लक्ष्मी, देखना सारा दुनिया लक्ष्मी से प्रार्थना, लक्ष्मी के बगैर तो कुछ होता ही नहीं, माँ लक्ष्मी की कृपा सबको पर चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी के ऊपर कुछ होता ही नहीं, इसलिए दुनिया लक्ष्मी को देखना हाथ ऐसे करके बैठी हुई, सबको आशीर्वाद देती है, लक्ष्मी सबको चाहिए हैं, इसलिए वो सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर भले ही लक्ष्मी को कभी दरवाजा में कभी उसको भिक्षा मांगने पड़ जाए, लक्ष्मी दुनिया को जो देने वाली, लेकिन तेरे घर में कभी भी अन्न वस्त्र की कभी कमी नहीं पड़ेगी तेरे घर में, क्यों, तुम लोग भगवान स्वयं ये बात कहते हैं। इसके इनको जरा प्रमाणित करते हैं, जो निष्कपट होकर के प्रभु का भक्ति करेगा भगवान सब दायित्व को ठाकुर जी को लेकर के सब दायित्व को ठाकुर ग्रहण करते हैं। इसलिए उन्होंने ये सब जीवन में अपना जीवन में सब चीज को उन्होंने शिक्षा दिया है। कहते श्री श्रीवास पंडित, इनका जीवन में तो बहुत बहुत कथा है, आज बहुत रात हो गया, फिर हम इनकी कथा कल भी कुछ कथा की हम सुन लेंगे, इसलिए आज जो लोग कथा में आए हैं आप लोगों को धन्यवाद है, आप लोग आज लग रहा है पूरा मंदिर हाँ भक्तों से मंदिर भर गया है, आप लोगों को धन्यवाद आप लोग, और आज भी भक्तों का चिराग प्रभु का तिथि था, और हमारे प्रभु जी का दूसरे प्रभु जी का इनका भी तिथि था, इसलिए ये लोग हमको अभी मंदिर बन गया, अभी हम देखो कोशिश कर रहे हैं अभी हम लोग अपना एक अपना स्थान बन जाए, अपना गौरीपट बन जाए एक स्थान, जहाँ पर अपना होने पर अपना घर है हमारा मंदिर, मतलब गुरु जी का मंदिर, मतलब गुरु जी का घर रहता है पिताजी का घर है, जैसे बेटी को बा परिवार में किसी को भी पिताजी के घर में जाने के लिए कोई पूछने का जरूरत नहीं, ये पार्वती कहती है, जब शंकर जी को बोले चलो ससुर घर में चलते हैं, शंकर जी बोले निमंत्रण नहीं आया, मैया कहती है देखो ऐसे कुछ स्थान है बगैर निमंत्रण के जा सकते हो, जैसे पिताजी के घर में कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं, क्योंकि अपना पिताजी के घर पीहर है, हैं, कहते जो गुरु जी का स्थान किया अपना पीहर है, अपना पिताजी का घर है, जैसे उसी वहाँ पर क्या है बिना बोले किसी समय कभी भी हम मंदिर में जैसे जा सकते हैं, इसलिए उसका नाम आश्रम, आश्रम मतलब है जहाँ पर हमारा आश्रय है, इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं जैसे वहाँ पर अपना एक सुंदर सा मंदिर बन जाए, जहाँ पर आप लोग आए, जहाँ पर रोज प्रभु का कीर्तन हरि कथा हो, हम ये चाहते हैं। और इसमें लेकिन अभी इसमें एक दिक्कत आ रही है, जो कि पैसा की दिक्कत आ रही है, इसलिए कहते पहले वो लाट को ले लो, उसको बाद में फिर हम अपना मंदिर बनाएंगे,
इसलिए कल्याण लेने के लिए कुछ पैसा की जरूरत है, इसलिए हम लोग भी भक्तों से प्रार्थना किया अगर कोई थोड़ी बहुत अगर उधार रूप में अगर थोड़ी सी दे सकता है हम कथा चीज पैसा को धीरे धीरे हम मिटा देंगे। इसलिए अभी यहाँ पर हमारे भक्त लोग अगर किसका समर्थ है, हम समर्थ से बाहर नहीं चाहते हैं, अगर कोई उधार रूप में भी दे सकते हो हम धीरे धीरे पैसा को धीरे धीरे आपको दे करके हम कोशिश करेंगे जैसे ये जगह को ले करके जैसे वहाँ से छोटा मंदिर हो जाए, अगर किसी के संभव हो हम लोग मदद कर सकते हैं, ठीक है। और अभी जो सामने हैं दो तिथि आ रही हैं, एक जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आ रही है, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आ रही है, इसलिए ये 12 तारीख को जगन्नाथ जी रथ यात्रा है और उसी दिन भी हम लोग यहाँ पर भंडारा होता बढ़िया प्रसाद की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि ठाकुर जी की वो तिथि बहुत अच्छा तिथि है। तद उसी दिन जो ठाकुर को रथ में दर्शन कर लेता है उसको दो बार जगत में जन्म लेना नहीं पड़ता, इतने महत्व उसी दिन जगन्नाथ जी 15 दिन के बाद में अभी जा रहे हैं वृंदावन ठाकुर जा रहे हैं, द्वारका से वृंदावन ठाकुर जाते हैं, जब वृंदावन जाते हैं इतने खुश जगन्नाथ जी रहते हैं, उस समय जो उनको जो मांग देता है ना उसको इच्छा पूरी करते हैं, जो उसको मांग दो इतने महत्व उसी दिन का है। इसलिए हम तो बोल रहे थे हमारे प्रेमचंद प्रभु उनके भक्तों से बोल रखा है, बोल रहे थे हम उसी दिन रथ यात्रा से इस समय निकलने नहीं देंगे ना, निकलने नहीं देंगे, हम सोच रहे थे हाँ नगर से निकाल सकते हैं, इसलिए प्रभु जी कह रहे हैं जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है हम जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा निकाल सकते हैं, कंधे में छोटे जगन्नाथ अगर होगा उसको कंधे पर लेकर कोई जलेगा उसको पीछे पीछे कीर्तन करते हुए चले जाएंगे, हाँ सुबह सुबह मंगलारती के बाद में, ठीक है आप लोग चाहते हो, इसलिए उसी दिन सबके से बुलाना, कौन कौन आएगा हाथ में सबके से बुलाना, ऐसे नहीं सबको सब उसी दिन आना, और उसी दिन जो शाम को इसी समय में सभी के लिए प्रसाद का सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था रहेगा, और जो उसको एक दिन जो पहले है 11 तारीख को हैं जो 11 तारीख को एक दिन पहले ये गुंडीचा मंदिर मार्जन महाप्रभु अपना भक्तों को लेकर के जाते थे और अपना हाथों से मंदिर साफ करते थे, उसी दिन भी मंदिर साफ करने का बड़ा महत्व है, क्योंकि राधा अभी कृष्ण अभी कुंज में आएंगे, वृंदावन मतलब कुंज है हैं, अभी कृष्ण अपना निकुंज में आएंगे, राधा रानी क्या करती हैं अपना सखियों को लेकर के कुंज को साफ करती हैं, क्यों कृष्ण आएंगे, ये गुंडीचा मंदिर मार्जन है। और उसी दिन 11 तारीख को अभी यहाँ पर हवन भी होगी, जैसे यहाँ पर 10 बजे यहाँ पर हवन होगी, 10-11 बजे हवन होगी, और उसको पहले हम कोशिश करेंगे ये गुंडीचा मंदिर ठाकुर का दरबार है, ये ठाकुर का दरबार नहीं राधा रानी के निकुंज मंदिर है, उसी दिन मंदिर जो साफ करेगा ना उसका हृदय साफ हो जाता है, इसलिए भगवान स्वयं जा करके स्वयं ठाकुर जा करके मंदिर को अच्छे तरह से ठाकुर जी साफ करते थे। इसलिए आप सब लोगों को निमंत्रण है आप लोग 11 तारीख को अगर 9 बजे अगर आप लोग आ जाओ उस दिन हम मंदिर को साफ करेंगे, उसको पास बाद में थोड़ी समय बैठ करके ठाकुर जी की जो गुंडीचा मंदिर मार्जन ठाकुर जी कैसे अपना हाथों से करते थे उसकी थोड़ी सी कथा भी सुनेंगे, और उसके बाद में हवन हो जाएगी और उसके बाद में सभी के लिए प्रसाद का भी व्यवस्था होगी। उस दिन हमारे कहाँ गए हाँ हमारे एक दीदी का उस दिन तिथि है, दीदी की पति की तिथि है, उस दिन हम लोग यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था होगी। इसलिए आप सबको सादर निमंत्रण है 11 तारीख को जरूर आना, 12 तारीख को आना और रोज भी आना, अभी जब तक हम हैं तब तक हम जगन्नाथ जी कथा सुनेंगे, रथ यात्रा की कथा सुनेंगे। आज भी कुछ कुछ भक्तों ने केक भी लाए हैं, कौन कौन केक लाए भैया, कौन कौन केक लाए, कौन लाए, शिवम हाँ प्रिंस नवीन प्रभु बलराम प्रभु, इसलिए इन्होंने आज बहुत बड़ा फीस्ट ये सब के केक लाए, सब कुछ को ठाकुर को भोग लगा करके ये केक सबको मिलनी चाहिए, ठीक है। अभी प्रभु जी अब कोई भजन गाएंगे, प्रभु जी आ जा इनको इनको माइक दे दो, आ जा इधर आ जा, तरुण मृदंग ले लो, ले लो हाँ आ जा, हरे कृष्ण। और आप लोग आज जैसे आए ना कोशिश करना रोज आने के लिए,
और हम कोशिश करेंगे आपको 8:30 तक आपको कथा को विश्राम दे देंगे, आप अपना घर में जा सकते हो। और यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियाँ, हमारे छोटे छोटे जो बालक लोग रोज रोज एक एक श्लोक याद कर रहे हैं और सुंदर सुंदर कथा भी सुनाते हैं, हैं जो चाहे बच्चे अभी भगवान की कथा सुना सकते हो। प्रभु जी गाओ। आपको पीछे भी कोई गाने वाले हैं? कोई बोलेगा पीछे पीछे बोलो बोलो वृंदावन बजा। आ जाए सामने आ जाए इधर सामने आ जाए। सदा शिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणी सच्चिदानंद रूपा तस्मै से कहिए श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम पूज्य गुरुदेव के साक्षी में गौड़िया मठ के इस पावन प्रांगण में बह रही ज्ञान की इस पावन मूर्ति में कुछ क्षण के लिए मुझे बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं बहुत बहुत अपनी हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पूज्य गुरुदेव के चरणों में सहस्त्र कोटि प्रणाम निवेदन करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। पूज्य गुरुदेव की करुणा के बारे में हमारे नगर के एक गांव में पूज्य खेमचंद जी भगत जी हैं, वो उनकी करुणा अक्सर प्राय हम उससे बातें करते रहते हैं। रामनगर से भी तरुण सती बहन जी है, वो भी पूज्य गुरुदेव के बारे में चर्चा अक्सर करते रहते हैं। आज सौभाग्य से प्रत्यक्ष में उनके दर्शन कर पा रहा हूँ कि मेरा परम सौभाग्य। ये ऐसा अवसर है, ये ऐसा प्रांगण है। मानस कहती है कि मज्जन फल पेखन तत्काला काक होत पिक पकऊ मराला। ये परम हंसों का ऐसा सागर है, ना जो भी कोई डूबेगा तो हंस ही बनकर निकलेगा। और पूज्य गुरुदेव तो परम हंस है ही, इनके परम आश्रम में रह करके हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आज हमारे चिराग प्रभु जी का जन्मोत्सव है, आज उनसे भी मेरी पहली भेंट हो रही है। उनके विषय में या किसी के विषय में क्या कहा जाए, लेकिन एक बार मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी असंगानंद जी महाराज ने मुझे जन्म और मृत्यु के बारे में बताया। कुछ लाइनों में मैं रोज आपको बता रहा हूं। जरा सोच विचार किए तो बता, यहाँ कौन उपजा और कौन मरा। जरा सोच विचार
कि ये तो बता यहाँ कौन उपजा और कौन मरा, पानी से पैदा हुआ बुलबुला पानी में नाच नचाता रहा, जल होकर जल में समाए गया तो कब कौन उपजा और कौन मरा। यहाँ किसकी जन्म है, यहाँ किसकी मृत्यु है, मुझे गुरुदेव के सानिध्य में हम यह समझना है, हम सभी को हमारा यही लक्ष्य है कि हमें जन्म और मृत्यु के पार जाना है। यहाँ किसका जन्म है, यहाँ किसकी मृत्यु है, दिया स्थूल तत्व है, दिया माटी का है, लेकिन उसमें जो ज्योति है वो चैतन्यता की है, चैतन्य तत्व को हमें पकड़ना है। दिया प्रति तत्व का परिचय है, प्रति पर ही पढ़ा जाता है, ज्योति शाश्वतता की परिचय है, शाश्वतता को हम पकड़े। आगे कहते हैं मिट्टी में पैदा हुआ पौधा मिट्टी में पला मिट्टी में बढ़ा आखिर में मिट्टी में समाए गया तो कहो कौन उपजा और कौन मरा। सोने में कंगन नाम धरा कभी चूड़ी बना कभी झुमका बना। एक ही स्वर्ण है, एक ही वस्तु है, लेकिन नाना प्रकार के रूपों में विभक्त हो रही है, फांस रही है। सोना तो आखिर सोना रहा तो कहो कौन उपजा और कौन मरा। सोना तो आखिर सोना रहा फिर कौन उपजा और कौन मरा। मेरी अनंत शुभकामनाएं चिराग जी के लिए है, जिस उद्देश्य से जिस लक्ष्य के लिए वो घर से निकले हैं, इतनी पावन परंपरा को प्राप्त कर पूज्य गुरुदेव के सानिध्य का वो श्रवण कर रहे हैं तो अपने परम लक्ष्य को पाए, भगवत नाम उनके हृदय में प्रतिष्ठित हो, परमात्मा की प्रीति उनके हृदय में प्रतिष्ठित हो और पूज्य गुरुदेव के प्रति अगाध श्रद्धा अगाध प्रेम उनके अंदर व्याप्त हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। आप सभी माताओं को प्रणाम करते हुए प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय सिया राम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
प्रसाद के लिए सब लाइन के लिए लाइन के बैठ जाओ प्रसाद के लिए। हाँ मोटे वाले तो लेके दिए, इतनी मोटी तो वृंदावन से लानी पड़ेगी। अरे इसका केक लाए, ये सूट क्या था? आपने बोल दिया, नहीं दिया, दो तीन मिनट में पांच ही पड़ेगा। महाराज जी को दोनों नमस्ते आप।